बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिटी 810 में खुश आमदीद कहेंगे आपको। मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। वीकेंड खूब इंजॉय कीजिएगा। विंटर्स में वैसे ही बड़ा मज़ा आता है, मौसम अच्छा हो जाता है, और जब मौसम अच्छा हो तो सारे काम करने में भी मज़ा आता है। हम बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का, और मौसम की अपडेट्स लेंगे हम टुडेज़ वेदर में। फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताइएगा शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, शहर भर में सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो शहर का दर्जा हरारत आज कम से कम बताया जा रहा है 9 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। जबकि इस वक्त जो शहर का दर्जा हरारत बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से, वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सर्दी की लहर जो बरकरार है उसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है सुबह और शाम के औकात में, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की गई है कि सुबह और शाम के औकात में तेज़ ठंडी हवाएं चलने का इम्कान है, जिसकी वजह से सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफा हो सकता है। और उसी वजह को पेश नज़र रखते हुए डॉक्टर्स ने भी शहरियों को हिदायत की हैं कि सुबह और शाम के औकात में जो तेज़ हवाएं चलेंगी सर्दी की लहर में इजाफा होगा, तो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, क्योंकि जब भी मौसम तब्दील होता है तो अपने साथ कई तरह की बीमारियाँ लेकर आता है। इसलिए गर्म कपड़ों के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए, ख़ास तौर पर सुबह और शाम के औकात में। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से दिसंबर के पहले हफ्ते से बारिशों की पेशनगोई की गई है, और ये भी बताया गया है कि जैसे जैसे दिन के वक्त धूप की शिद्दत ज़्यादा होगी या धूप ज़्यादा निकलेगी, सूरज अपनी आबोताब से चमकेगा, तो जो सर्दी की लहर है उसमें हमें कमी भी देखने को मिलेगी। तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि सुबह और शाम के औकात में हवाएँ चलेंगी, जिसकी वजह से जो ठंड है उसमें इजाफा होगा, जबकि दिन के वक्त सूरज जैसे ही ज़्यादा निकलेगा या अपनी आबोताब से चमकेगा तो सर्दी की लहर में कमी होगी, और दिसंबर के पहले हफ्ते से बारिशों की नवीद भी सुनाई गई है। जी बहुत शुक्रिया फहद, आप हमारे साथ मौजूद थे, मौसम की अपडेट्स दे रहे थे। इसी के साथ आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं आज की हमारी लीड स्टोरी क्या है। तबादलों का सुनामी, सैफ अंजुम कमिश्नर, जुल्फकार हमीद सीसीपीओ, सुमेर अहमद सैयद डीजीएलडीए तैनात। गुड गवर्नेंस तरजीह, पुलिस को आवाम की तवक्कुआत पर हर सूरत पूरा उतरना होगा। पेरिस में सरचार्ज का इजाफा मुस्तरद, बिजली के जायद बिल किसी सूरत अदा नहीं करेंगे एक्टिवा। पंजाब हुकूमत का गन्ने और गंदम की कीमत में इजाफे का फैसला। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे स्टूडियो में। हमारे साथ सिर्फ आई2 के सीनियर रिपोर्टर कजाफी बट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कजाफी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। आज आपका बड़ा मसरूफ दिन गुजरने वाला है। जी बिल्कुल जी, आज नाजर आपको भी मैं बताती चलूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे, जो कहा जा रहा है कि पार्टी इजलास से सदारत भी करेंगे, वज़ीर आला से उनकी मुलाकात भी होगी, गवर्नर से मुलाकात भी होगी, और साथ ही साथ काबीना में शायद मुमकिना रद्दबदल किया जाएगा, क्योंकि तब्दीली शायद इसी का नाम है कि हर 3 महीने बाद या ब्यूरोक्रेसी में या पॉलिटिशियंस के जो ओहदे हैं कैबिनेट में तब्दीली कर दी जाए तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा। तो बट साहब, एक रोज़ा दौरा उनका लाहौर कैसा गुजरेगा? आपको याद होगा मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, जब मेरा वीकेंड होता है ऐसे ही फंसाते हैं सारे मुझे, याद होगा अगर आपको तो आज भी वही काम है। आप समझ रहे हैं कि वज़ीर आज़म खास तौर पर इसलिए आते हैं वीकेंड में कि आपका वीकेंड है तो मैं जाऊँ। वो तो खैर, अच्छा एनी हो, स्टोरी कितने पे आते हैं। बजे तक वो आएंगे आज लाहौर और क्या मसरूफियात? 11:40 तक उनकी आमद मतवक्को है। ऐवान वज़ीर आला तकरीबन 12 बजे तक वो पहुंच जाएंगे, जो हमारे पास शेड्यूल है। उसके बाद ऐवान वज़ीर आला में क्या तकरीबन? ऐवान वज़ीर आला में उनकी मीटिंग्स हैं, स्पेशली स्मोक के हवाले से उनकी एक खसूसी मीटिंग है जो उन्होंने कॉल किया, और उसके ऊपर खास वो भरम भी हैं कि वो इकदाम नहीं किए गए। उनको बता दे कि अल्लाह ताला ने बारिश बरसा के हम पर रहमत किया और स्मोक कम हो गई। सबसे दिलचस्प बात है कि पंजाब हुकूमत जब भी छुट्टी करती है बच्चों की, आप देखें उस दिन बारिश स्मॉग ठीक हो जाती है। लेकिन चलें, इसके ऊपर उन्होंने एक मीटिंग करनी है। दूसरी जो मौजूदा सारी सूरत हाल रही उसके ऊपर वो अरकान को एतमाद में लेंगे, कारकर्दगी हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी ज़ेर बहस रहेगी। तवक्को ये है कि कुछ एक दो वज़ीर ऐसे हैं, यानी कि ये मुमकिन तौर पर है कि उनकी वजारत जिनके पास नहीं है उनको वजारत दी जा सकती है, लेकिन ये कोई कन्फर्म नहीं है, हतमी चीज़ नहीं है, हर दफ़ा डिस्कस होता है लेकिन रह जाता है। मुमकिन तौर पर ये हो सकता है कि एक दो वजीर जिनको ये वजारत दे देंगे, या शायद कोई चेंजिंग हो जाए, लेकिन
ये चीज़ तय है कि जो उनके पास रिपोर्ट्स गई हैं काबीना के अराकीन की, उसके ऊपर वो खासे भरम है कि वो कारकर्दगी पंजाब के वुज़रा की नहीं आ रही है कि जो कि उन्हें उनको मिलनी कोई चाहिए। कोई अंदर की खबर दें, ये बातें तो हमने अखबार में खबर में भी पढ़ ली, कल से आपकी ब्रेकिंग भी चल रही है, अंदर की खबर क्या है, किसको तब्दील किए जाने का इम्कान है, कोई नाम, कोई वजारत? नहीं, नाम मैं नहीं लूंगा, फिर बहुत सारे दोस्त नाराज हो जाते हैं, फिर असल में चीज होती है कन्फर्म होती आपने है, दोस्तियां रखनी है कि जॉब करनी है, दोनों दोनों काम करने, देखें वो साथ साथ है। इशू ये है कि मैं उस वक्त तक कोई स्टोरी नहीं देता जब तक 100% प्लस 100% कंफर्म ना हो जाए। हाँ, और ये ऑब्वियसली ऑथेंटिसिटी भी होती है, मैं तो सिर्फ आपसे खबर निकलवाने के लिए नहीं, वो सवाल पूछ कर रही हूं। इस तरह खबर है, आपको ये बताएंगे, आप ये देखें ये तबादले हुए, हमारी लीड लगी है उस पे हम आएंगे, लेकिन मैं अभी फिलहाल वज़ीर-ए-आज़म के दौरे लाहौर पे बात करना चाह रही हूँ। आपने कहा कि वुज़रा की मुमकिन तब्दीली जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो इसमें आप हेल्थ मिनिस्ट्री ले लीजिए, उससे स्टार्ट कीजिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री ले लीजिए, माहौलियात की मिनिस्ट्री ले लीजिए, इस तरह से वो चल सो चल है एक लंबी लिस्ट जो वाकई में अपने अपने डिपार्टमेंट्स में डिलीवर करने में इन करीबन दो सालों में, पौने दो सालों में नाकाम हो गए। देखिए क्या ये हुकूमत को नजर आ रहा है? बिल्कुल, सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, और मैंने पहले भी एक दफा बताया था, आज दोबारा फिर बताता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर किसी एक के ऊपर नहीं रह रहे कि किसी एक जगह से कारकर्दगी रिपोर्ट्स लें, उन्होंने मुख्तलिफ मैकेनिज्म कायम किया हुआ, वो तीन से चार जगहों से इन वुज़रा की जो कारकर्दगी रिपोर्ट्स हैं वो इस वक्त ले रहे हैं। सरदार उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी रिपोर्ट ली है उन्होंने, या वो खुद देने जाते हैं? मैं आपको बताऊं, जो 15 दिन बाद दो चक्कर वो शहरे इक्तदार के लगाते हैं, वो अपनी रिपोर्ट खुद देने जाते हैं? बिल्कुल, वो खुद रिपोर्ट देने जाते हैं। कैसा है? लगता होगा, मैं बड़े, आपको, बड़े खुश किस्मत मैं आपको है। अपनी ये रिपोर्ट दूं? मैं मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, मैंने सोचा मैं आज व्हाट्सएप को दूंगी, ये मेरी रिपोर्ट है, ये जरा देखिए और मुझे बताइए कि ये कैसी है, जरा दिखाए ना कैमरे में, दिखाए, छुपा क्यों रहे हैं, ये रिपोर्ट है, ऐसा ऐसा करते हैं सरदार उस्मान बुज़दार साहब, क्योंकि बताने के लिए तो उनके पास कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ना किस्मत का धनी आदमी है वो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जाहिर है बहुत बड़े सूबे के मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर आला हैं, हर दफा चेंजिंग्स की बात होती है उसकी, और हर दफा वो बच जाते हैं, अपनी कुर्सी बचा जाते हैं वो, मैं नहीं कुर्सी बचाने के लिए बचा, वो मैं वो थोड़ा सा सेंसिटिव मामला आ जाएगा उस पे, तजियाकार ये कहते हैं कि बुज़दार साहब या जिसने भी अपनी कुर्सी बचानी होती है वो फिर 15 दिन में दो चक्कर लगाता है, इस्लामाबाद की मुलाकातें होती हैं, और फिर वज़ीर आज़म भी जब आते हैं दूसरे उस शहर के उस शहर में जहाँ पे जिस सूबे में उनकी हुक्मरानी होती है, तो फिर सबसे पहली मुलाकात भी देखिए कोई होती कोई है। ऐसे, मतलब ये ऐसे इश्यूज खड़े हो जाते हैं कि हर दफा वो बच जाते हैं, मैं आपको ये बताऊं, और मजेदारी वाली बात है कि उनकी जगह जो नाम डिस्कस हर दफा होता है वो वाकई डिस्कस हो रहा है। अच्छा। और वो नाम है, बता दें, स्पीकर पंजाब असेंबली का, चौधरी परवेज इलाही का, और उसके ऊपर ना सिर्फ हुकूमत के अराकीन बल्कि जो अपोजिशन के अराकीन है वो भी कन्विंस है कि यार ये बहुत हो गया पंजाब से बदला। परवेज इलाही साहब अगर बतौर वजीर आला आते हैं तो इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स जब उनकी पहले हुकूमत थी यहाँ पर और वो वज़ीर आला थे, और क्या मिसाली काम किए थे उन्होंने, तो हो सकता है कि अब दोबारा अगर वो आ जाते हैं तो हमें मिसाली काम देखने को मिले, अल्लाह करे ये समझ जो है वो वाकई में सिर्फ बात ना हो, उनकी आप सियासी बसीरत देखें, पंजाब असेंबली के वो स्पीकर है और वो जब चेयर करते हैं वो बैलेंस रख के वो चलते हैं, और यानी कि अपोजिशन को उनकी उनके जो फैसले या उनकी जो चीजें होती है उनके बारे में बात करने के लिए हमें बुज़दार साहब के साथ उनका कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, वो बनता भी नहीं है। वो मैंने अभी आपको दिखाया कि जो उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट है वो, तो उसके साथ तो किसी का कंपैरिजन भी नहीं बनता। बहरहाल जी, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, पकड़ना हो जाए मेरी भी, इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और चलते हैं अपनी आज की लीड स्टोरी की तरफ। तबादलों का सुनामी आ गया, बट साहब तब्दीली तब्दीली तब्दीली, इसको भी तब्दील, उसको भी तब्दील। मैं उस दिन द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू इरफान, और मैं उनको कह रही थी इरफान चलो उसकी जो सीरियस नोट पे जो डिस्कशन है वो तो हम करते ही हैं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाता है नाम याद रखना। इतने मुश्किल से पिछले पूरे एक पैनल का नाम याद होता है कि कमिश्नर कौन है, डीसी कौन है, ये कौन है, वो कौन है, फ्लां डीजी कौन है, फ्लां सेक्रेटरी कौन है, फिर ये तब्दील कर देते हैं, फिर नए सिरे से लिस्ट बनाओ, नए सिरे से याद करो। बात ये है सर, तब्दीली तो चले हो रही है, लेकिन आप ये देखें कि जिन जिन लोगों को अब लगाया गया है उससे क्या मतलब आप ले रहे हैं। और एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर के दौरे से पहले मैं सिर्फ पहला एक ही नाम लूंगा, वाजिद ज़िया, डीजी एफआईए।
वाजिद ज़िया वही हैं जिन्होंने पनामा केस को हैंडल किया, जो नाम सामने लेके आया, जो सारी चीज़ें गई। DGFI लाने का क्या मकसद हुआ? 5 IG आप अब तक बदल चुके हैं, 3 चीफ सेक्रेटरी आपके आ चुके हैं, और अब जो ये टीम आई है जुल्फकार हमीद CCPO लाहौर लाए गए हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, चले माजरत के साथ। CCPOship पिछले जब से इससे पहले वाले CCPO काम कर रहे थे, यकीन जानिए एक अच्छी खबर नहीं आ रही थी। पता चले आप पता नहीं किस सेंस में बात करें, लेकिन जुल्फकार हमीद नून लीग के दौर के अंदर, अगर इनमें से बेशतर लोग ऐसे हैं कि जो नून लीग के दौर के अंदर जेरे अताब रहे हैं। अच्छा जेरे अताब रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि उनको अब सर मैंने आपको सिर्फ एक नाम लिया है, वाजिद ज़िया DGFI। देखिये इसका क्या मतलब हुआ, आप जो टीम अब लेके आ रहे हैं वो टीम वो लेके आ रहे हैं कि जो दूजे लफ्ज में कहा कामनू चुकेगी, अब इसी को इन्होंने यही करना है। आज जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इन सब की इनके साथ मुलाकात भी होगी। अच्छा देखिए इनकी मुलाकात भी होगी, दो रोज पहले चीफ सेक्रेटरी को तब्दील किया गया जी, बिल्कुल, और उसके बाद से ये एक्सपेक्टेड था कि बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी, लेकिन इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि बड़े बड़े बुर्ज उलट जाएंगे। सर देखे ना, वो एक क्राइसिस में से निकल के आए हैं, तो अब उस क्राइसिस जो क्रिएट करने वाले जो वो समझते हैं या जो अपोजिशन है यहाँ पे, उसको किस तरह काउंटर करना है। जितनी टीमें पहले आई शायद वो उनकी तवक्कुआत पर उस तरह उतर नहीं रही थी। हाँ मैं अब आपको ये बताऊं, जो मैं चीज जानना चाहती हूँ, ये जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, ये अवाम को रिलीफ इससे मिलेगा नहीं होता, अब या ये घिसे पिटे नारे ही रहेंगे? अवाम की बात ना किया करें आप प्रोग्राम में बैठ के, अवाम कौन, अवाम मैं तो उसी के लिए बात करती हूँ, नहीं क्यों लोग मुझे, मैं तो नहीं करता, एंटी गवर्नमेंट कह दे, प्रो अपोजिशन क्वेश्चन कह दे, जो मर्जी कह दे, मैं तो आवाम के भाई, आवाम है ही नहीं ना, आवाम है ही नहीं, हुक्मरान आवाम को समझते नहीं, अगर वो समझते होते तो ये तब्दीलियां जो हर थोड़े दिन बाद सुनामी आ जाता है, हर 3 महीने बाद आ जाता है, तो ये ना होती। मैं ये बता रहा हूँ, आवाम का नाम ना आप लिया करें, आप सिर्फ हुक्मरान डिस्कस किया करें, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किधर जाना है, उन्होंने कहाँ पे सोना है, कब बैरून मुल्क जाएंगे और क्या करेंगे, ये चीजें डिस्कस किए करें, आवाम 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 ना किया करें, आवाम बस छोड़े बाढ़ में जाए, आवाम बैरून मुल्क का जिक्र आपने क्यों किया, बस छोड़े वो बात, मैं चले छोड़े, मैं इसके ऊपर आता हूँ। ये जो तबादले हुए, मैं आपको इसकी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर के पास पूरी एक फाइल गई, एक पलंदा गया, जिसके ऊपर मुख्तलिफ इदारों से लीवी रिपोर्ट्स के हिंट्स दर थे, ये फलां बंदा इसका, ये फलां बंदा ये, यानी कि उनकी बकायदा रिपोर्ट्स ली गई कि कौन क्या कर सकता है, कौन किसके जेरे अताब रहा, कौन को किसके ऊपर सरजनिश की गई, इससे क्या काम लिया जा अच्छा, सकता मैं है। मैं तो आपकी इस बात पे ना अग्री कर सकती हूँ ना डिसएग्री कर सकती हूँ, आप बेहतर तौर पर समझते हैं, आप तजिया कर रहे हैं, हमारे साथ ब्यूरोक्रेसी के जैसे कहते हैं ना मास्टर मौजूद है लाइन पर, कैसर खोखर साहब। कैसर खोखर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। खोखर साहब ये क्या किया, एक बड़ा सुनामी आ गया जी। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने बड़े पैमाने पर उखाड़ बिछार किया। इससे कबल जब निगरान हुकूमत होती थी, जब यह हुकूमत बदलती थी, उसी वक्त ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसपोस्टिंग होती थी, लेकिन अब इससे बार जो है चीफ सेक्रेटरी और IG के तब्दील होने पर ही पंजाब की सारी ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसमें सबसे अहम डेवलपमेंट जो हुई है वो सैफ अंजम जो कैप्टन है उनको कमिश्नर लाहौर लगाया गया है, जुल्फकार हमीद को CCPO लाहौर लगाया गया है, समैर अहमद सैयद को DGLDA लगाया गया है। अच्छा ये तो सारी डिटेल्स हम दे भी रहे हैं और हम कल से सुन भी रहे हैं खोखर साहब। अभी बट साहब ये कह रहे थे कि इसमें से मोस्टली या अहम ओहदों पर वो अफसरान हैं जो नून लीग के दौर में यानी कि पिछले दौरे हुकूमत में कहीं ना कहीं जेरे आताब रहे हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है? नहीं बिल्कुल, अगर ये कहें तो जो समैर अहमद सैयद जो DGLDA लगा है वो वजीर अला पंजाब शहबाज शरीफ का PSO रहा है, वो DGLDA लग गया है। इस तरह जुल्फकार मुहिद और कैप्टन सैफ अंजम जो कमिश्नर लाहौर और CCPO लाहौर लगे हैं, ये पिछली हुकूमत में नून लीग के आंख के तारे होते थे ये, और जो आदम सुलेमान खान जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगे हैं, ये शहबाज शरीफ की खास किचन कैबिनेट का हिस्सा होते थे। शहबाज शरीफ ने इनको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम लगाया हुआ था पंजाब में, लिहाजा ये कहना बिल्कुल गलत है। इसके बाद जो हामिद कूक शेख लगे हैं वो शहबाज शरीफ की टीम का हिस्सा रहे हैं। इसके बाद जो आपके साथ बताता चलोगे जो DA जो ऑपरेशन लगे हैं लाहौर के राय बाबर सईद, वो शहबाज शरीफ के दौर में DPO रहे हैं। इस तरह सारे अफसरान जो है वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो नून लीग के मंजूरे नजर आए हैं। वाजिद ज़िया साहब का अगर मैं जिक्र करूं जो DGFI है जी, बिल्कुल वो DGFI लगे हैं,
वो मुखालफ थे नून लीग के, उन्होंने नवाज शरीफ की इंक्वायरी की थी नैब के केस में और दूसरी वो जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, यानी कि सिवाय इनके आप कह रहे हैं बाकी कहीं ना कहीं नून लीग के दौर में मंजूर नजर रहे हैं। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कमिश्नर डी जी खान लगा ये किचन कैबिनेट का हिस्सा होता था मियां शहबाज शरीफ के। अच्छा बट साहब ये अभी जब हम बात कर रहे थे, खोखर साहब हमारे साथ ही रहिएगा, कि ये जो अफसरान जो आपने कहा कि ज़ेर-ए-आताब रहते हैं या मंजूर नजर रहते हैं, मैं कहती हूँ अफसरान तो वही है ना, हुकूमतें तब्दील होती हैं लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो वही रहती है, तो उन्हीं को उठा के इधर। खोखर साहब अब ये जो बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं जिनमें से कुछ तब्दीलियों पर तो मैं बड़ा खुश हूँ कि होनी भी चाहिए थी, लेकिन इतने बड़े लेवल पर कर दी तो इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं, या वही सिर्फ तब्दीली के नारे खोखले होंगे कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग तक ही महदूद रहेंगे, रिलीफ कुछ नहीं मिलना आवाम को? जी बिल्कुल, ये इस बात में कोई शक नहीं है कि रिलीफ आवाम को कुछ नहीं मिलना और ना ये खोखले नारे सिर्फ रहेंगे, क्योंकि अगर एक जिले से एक डिप्टी कमिश्नर को हटाकर दूसरे जिले का डिप्टी कमिश्नर लगा देते हैं सिर्फ इस वजह से कि पिछले जिले में उसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी, तो अगले जिले में जाकर वो कौन से गुल खिलाएगा? ये तो आवाम पर बोझ डालने वाली बात है कि एक निकम्मे आदमी को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगा देना और दूसरी जगह आवाम पर नाजल कर देना, ये बिल्कुल गलत है। इसमें एक और बात मुझे याद आई खोखर साहब, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि इससे कुछ कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी, हमारे बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स जो अच्छा काम भी कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एलडीए की मिसाल लूं तो जब से जो साबिक डीजी एलडीए उस्मान मौजम, अब पता नहीं उनको साबिक कहना चाहिए क्योंकि अभी तो नए लग गए ना, सुमैर अहमद सैयद साहब आ गए, उस्मान मौजम सब अच्छा काम कर रहे थे, उनके काम नजर आना शुरू हो गए थे, एलडीए में कुछ बेहतरी नजर आ रही थी, उनको भी तब्दील कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि उस्मान मौजम जो है उसने बड़े अच्छे काम किए, बिल्कुल सेक्टरी हौसिन नसीर सादक जो है उसने बड़ा अच्छा काम किया और नबील अहमद अवान जो सेक्टरी लाइफ स्टॉक थे उन्होंने अपने महकमे में बड़ी अच्छी डिलीवरी दी, चेयरमैन पीएनडी जो तब्दीली क्यों की गई, ये मेरिट के बेस पर तो नहीं लग रही, उनको हटा दिया गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब इजाज अहमद जाफर जो थे उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकवरी की 24 अरब रुपए की, उन्होंने ऑडिट पैरों की मदद में रिकवरी की ठेकेदारों से और अफसरान से और रिकॉर्ड रिकवरी उन्होंने की, उन्होंने रिकॉर्ड काम किए लेकिन उनको भी उनके ओहदे से हटा दिया गया। तो फिर मेरिट क्या है खोखर साहब, मेरिट क्या है, काम तो मेरिट नहीं है ये तो वाजे हो गया। मेरिट यह है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी की पसंद और नापसंद जो होता है वो मेरिट होता है, मेरिट ये नहीं होता काम हो डिलीवरी हो आप पब्लिक को रिलीफ दे और देर रात काम करें, ये कोई काम नहीं होता, ये कोई कारकर्दगी नहीं है, कारकर्दगी ये है कि आपको अपने बॉस की नजर में गुड बुक में होना चाहिए, बस यही कारकर्दगी है। तो खोखर साहब ये फॉर्मूला तो फिर हर जगह चलता है, वो ब्यूरोक्रेसी से लेकर किसी भी प्राइवेट इदारे तक। जी बिल्कुल, तमाम जगह जो बॉस होता है उसकी गुड बुक में होना ही कारकर्दगी होती है, वही डिलीवरी होती है, वही सब कुछ होता है, उसी की बुनियाद पर आपको ट्रांसफर। लेकिन ऐसे में क्या किया जाए जब बॉस का ही पता नहीं है जब सामने कोई और चेहरा है और पीछे बॉस कोई और है। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन आप देखें इस ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो है ये चीफ सेक्रेटरी ने अपने तौर पर की है और इसमें वजीर आला पंजाब का इनपुट शामिल नहीं लिया गया, चीफ सेक्रेटरी ने अपने तौर पर तमाम अफसरान को इधर उधर किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे अगर आवाम को भी या आवाम को कोई रिलीफ मिलने के कोई चांस नहीं है, कोई चांसेस नहीं है। बहुत शुक्रिया खोखर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। बट साहब ने वाजिद ज़िया साहब वाली बात पे तो उन्होंने कह दिया वाकई में कि वो एंटी नून लीग होते थे तो उनको डीजी एफआईआर लगा दी, लेकिन बाकी बातों में उनकी सदाकत है। देखिए बिल्कुल सदाकत होगी, लेकिन आप ये देखें अगर आप इरफान से पूछें जुल्फकार हमीद को नून लीग ने कॉर्नर किया, वो रहे किचन कैबिनेट में रहे उनके साथ रहे, लेकिन जब हुकूमत थी हुकूमत के आखिरी दिनों में जुल्फकार हमीद को उनके ओहदे से हटा दिया गया। मैं ये समझती हूँ जुल्फकार हमीद साहब ये जो मुझे नहीं पता बेहतर तौर पर निभा ले चले, क्योंकि पिछले दौर में तो क्या आपके ख्याल में जुल्फकार हमीद क्राइम कंट्रोल कर लेंगे? कितना क्राइम कंट्रोल हो गया था मुझे बताएं, कितना जुल्फकार हमीद से ऊपर मैं फिर सर मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं ना, शुएब दस्तगीर उनकी बात करना चाहूंगी, अभी 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 खोखर साहब ने एक बात की कि पसंद ना पसंद आईजी की और चीफ सेक्रेटरी की, भाई उन दोनों को ही हटा दिया उन्होंने, अगर आईजी है उनकी पसंद ना पसंद, वही कह रहा हूं ना जो जो कैप्टन आता है वो अपनी मतलब की टीम बनाता है, जो भी आएगा, बाबर आजम आया बाबर आजम ने अपने मतलब की टीम बनाई चीफ सिलेक्टर के मशवरे के साथ, क्रिकेट टीम है जो क्रिकेट टीम है, आप ये देखें कि जो ये टीम आई है उन्होंने परेशान हो गई बाबर आजम को, मैंने इसलिए आपको उस तरफ लेके गया ना, वही आपको बात कह रही हूं, नाम लाइट लाइट मोड में लेके करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएंगे आपको, एक आधा दिन लगेगा लेकिन लिस्टें बनाएंगे और देखेंगे अच्छा ये है ये है, लिस्टें बन जाएंगी आप टेंशन ना लेने के बाद फिर लिस्टें बनी हुई हैं, आज सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने उनकी अप्रूवल देनी है, अब आज हो गई है नहीं और भी बहुत सारी जो करनी है ना, अब जो एनडीए की वो खबरें आप हमें देती रहिएगा, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, अगली खबर की तरफ चलेंगे और अगली खबर हमारी है गुड गवर्नेंस तरजीह। ये कहा है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने, पुलिस को आवाम की तवक्कुआत पर हर सूरत पूरा उतरना होगा। पर सब बयानात की हद तक ये अमली इकदामात कुछ भी नहीं। तो हर दौरे हुकूमत में ऐसा ही होता है, बयानात ही होते हैं, बयानात के ऊपर ही हुकूमत चलाई जाती है और वही बयानात। कंपैरिजन अगर आप कर रहे हैं तो इतने बुरे हालात नहीं रहे पिछले। हाँ, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि कंपैरिजन अगर हम करें तो मैंने तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दौर देखे हैं, पीपल्स पार्टी का हर दौर पिछले दौर से कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ ना कुछ बेहतरी होती है। लेकिन इस दौर के अंदर हमें, हम अगर कहें ना, वो आना तो आपने सुना होगा, पता नहीं आपने देखा भी होगा कि नहीं होगा, वो एक आना होता था, चार आने से भी पहले एक आना होता था, करेंसी का एक, करेंसी का एक छोटा सा। इसमें मैंने नहीं देखा, नहीं देखा हमने तो, खैर देखे हुए ना, बाबे हैं ना हम, बुजुर्ग आदमी है, तो वो इसमें आने बराबर भी कोई बेहतरी नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। वो जो मुशर्रफ साहब फरमाते होते थे ना कि अगर हम अमेरिका के साथ ना जाते तो पत्थर के जमाने में चले जाते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये महसूस हो रहा है कि हम अमेरिका के साथ जाने के बावजूद पत्थर के जमाने में चले गए हम। आप ये हमारे डेली शरीफ ऑयटू का क्राइम पेज उठाकर सिर्फ देख लीजिए, ना सिर्फ डेली शरीफ ऑयटू, आप कोई भी न्यूज़पेपर का क्राइम पेज उठाकर देख लीजिए, पूरा पूरा सफ़ा भरा हुआ होता है। डेली शरीफ ऑयटू की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि लाहौर से रिलेटेड सिर्फ खबर होती है, किसी भी अखबार के मेट्रोपॉलिटन पेज पे क्राइम की खबरें देख लें सबसे ज़्यादा होती हैं। क्यों? शहर में लड़कियों के लापता होने का सिलसिला जारी है, शहर में चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ गई हैं, शहरी कीमती अशिया से महरूम हो गए, डकैती का मामला दौरान वारदात इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के हवाले से बात हुई। अब देखिए कि ये जो एक सिलसिला है क्राइम का, ये ना रुकने वाला है, वो चाहे अबडक्शन हो, वो चाहे डकैती हो, वो चाहे चोरी चकारी हो, क्या कर रही है पुलिस? फिर देखिए आप, पुलिस की कमांड दो साल में, जब से आपकी हुकूमत आई है करीबन दो साल में, चले 5 मरतबा तब्दील कर। जी बिल्कुल, आप किसी आईजी को टेस्ट कर रहे हैं, आप ऑफिसर्स को टेस्ट कर रहे हैं, या आईजी को इख्तियारात नहीं देते कि वो बेहतरी नहीं ला सकते, या आईजी बेहतरी लाना नहीं चाहते, कौन जिम्मेदार है? देखिए, वर्दी तब्दील करने से जिनसे ना वो रवैये तब्दील नहीं होते। अगर आपने जराइम कंट्रोल करना है तो आपको पुलिस का रवैया भी जो है वो चेंज करना होगा। पुलिस का हमारे रवैया चेंज होना तो दरकिनार, वो बद से बदतर होता जा रहा है, बावजूद आप उसको सहूलियात फराहम कर रहे हैं, बावजूद आप उसको यानी कि जितना मर्जी आप उसको रिलैक्स कर लें, उसके बावजूद जो है क्राइम कंट्रोल हो रहा है। ये जो आप दिखा रही थी ना सिटी 42 का क्राइम पेज, ये वो चीजें हैं कि जो रिकॉर्ड पे आ रही हैं। ऐसे कई केसेस हैं जो रिकॉर्ड पर नहीं आ रहे, लोग जाते ही नहीं है, और की करना यार, थाने वाले थाने से जाके उन्होंने गाली नहीं सुनी। आप मोबाइल फोन अंदर ले जाने पर पाबंदी लगा रहे हैं ताकि थाने के अंदर जो है जो होने वाली चीजें हैं वो ना दिखाई जाए। आप डिसीजन बताए क्या ले रहे हैं? जाते जाते जो आई जी कैप्टन आरिफ नवाज है वो डिसीजन ले गए कि हमारी यूनिफॉर्म में जराबों का कलर चेंज होना चाहिए। ये फोकस है आपके काम का। तो देखे ना, फिर जब इस तरह की चीजें आप के सामने होंगी, आप किस तरीके से जराइम पे कंट्रोल करेंगे, आप किस तरीके से लोगों को तहफ्फुज़ का एहसास दिलाएंगे कि हम आपके तहफ्फुज़ के लिए हैं। डॉल्फिन आपकी सड़क पर फिर रही है। पुलिस इसमें ना सिर्फ पुलिस को तनकीद का निशाना बनाना भी जायज नहीं है। आपकी ये स्टेटमेंट ही सिर्फ ले लीजिए वज़ीर आला की कि पुलिस को आवाम की तवक्कुआत पर हर सूरत पूरा उतरना होगा। तो आवाम की तवक्कुआत तो ये है कि जब वो थाने में जाए उनको रिस्पेक्ट मिले, एक अच्छी जगह मिले बैठने के लिए, उनकी बात सुनी जाए, खासतौर पर जो साइल है उनसे बातचीत हो सके। यहाँ हमारे थानों की हालत देखी है आपने? एक शरीफ आदमी थाने जाने से 10 दफा पहले सोचेगा। सीमल आप देखिए, कोई खातून अगर विक्टिमाइज हो जाती है किसी चीज के हवाले से, वो रिपोर्ट करने जाना चाहती है, क्या उसको उस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है? क्या वो जा सकती है थाने? मैं कभी नहीं जाऊँ। मैं आपको बताऊं, मैं वो चीज आपसे हमेशा बात करता हूँ कि जो मैंने खुद भुगती। तो ये फैसिलिटीज तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है ना, वही कह रहा हूँ। मैं आपको एक छोटा सा वाक्या, बैठने के लिए जगह नहीं है, वॉशरूम्स की फैसिलिटीज नहीं है, पुलिस वालों के लिए। आपको बताता हूँ कि मैं अपने मुतल्लिका थाने गया, मेरे घर के बाहर एक गाड़ी को पार्क करके चला गया, ना हम अंदर आ सकते थे ना हम अंदर जा सकते थे। 3 घंटे के बाद रिस्पांस हुआ, वो भी एक एसपी साहब, मतलब एसपी नमाज पढ़ने आ गए जुमे के रोज मस्जिद के अंदर। वो नीचे उतरे, उनको कहा, उनके कहने के बावजूद 1.5 घंटे बाद लिफ्टर वाला आया, गाड़ी उठा के ले गया। मैंने उसके बाद जाके थाने में दरख्वास्त देने की कोशिश की कि ये दरख्वास्त मेरी आप ले लें, मैं इस पर कार्रवाई करवाना चाहता हूं। आप बिलीव करेंगी, मैंने जब तक
इरफान से टेलीफोन नहीं करवा लिया। मैं अपनी बेबसी का इजहार नहीं कर रहा, मैं एक आम शहरी की हैसियत से थाने में गया, रिपोर्टर की हैसियत से नहीं, मैं एक आम शहरी, मैंने जब तक इरफान से टेलीफोन नहीं करवाया, अपना तारुफ नहीं करवाया, आप बिलीव करें कि मेरी वो एप्लीकेशन उस डेस्क ने नहीं ली। आम शहरी का क्या बताया जाता है आपको? आप एप्लीकेशन देने जाते हैं तो ऐसा लगता है उसके पास कौन कौन आपको ट्रस्ट करेगा? आपने जो आप थाने के अंदर कौन ट्रस्ट करेगा, आप मुझे बताएं, कोई ट्रस्ट करेगा? ये पूरी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें और बड़ी बड़ी चीजें, ये सब मिलकर आप एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ बयानी हद तक, कागजी हद तक, प्रेस रिलीज जारी कर दी, उस हद तक काम नहीं चलेगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। एप्टमा की तरफ से जो है वो बड़ा एक एतराज़ सामने आया है, टैरिफ में सरचार्ज का इजाफा मुस्तरद। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात करती है, यकीन दहानी कराती है कि आपके सारे जायज़ मुतालबात और तमाम चीज़ों को हम हैंडल कर लेंगे, फिर ये क्या झंडी दिखा देती है लाल जब भी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है? इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। टैरिफ पे सरचार्ज का इजाफा मुस्तरद, एप्टमा ने कहा बिजली के जायद बिल किसी सूरत अदा नहीं करेंगे। ये हुकूमत क्या करती है, कुछ हड़ताल होती है, प्रोटेस्ट होता है तो लॉलीपॉप पकड़ा देती है, और फिर जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो छटाक से वो छीन लेती है और कहती है कि जो है बस वही करो। बिल्कुल, और सबसे दिलचस्प बात है कि प्राइम मिनिस्टर खुद एप्टमा के रहनुमाओं से, गौहर एजाज साहब से मुलाकात करके इनको यकीन दहानी एक नहीं दो मरतबा करवा चुके हैं, और इस मुलाकात के अंदर गवर्नर पंजाब खुद मौजूद थे, जिन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया इस सारे मामला को सॉल्व करने के लिए, कि जब तक हम अपनी इंडस्ट्री को नहीं बूस्टअप करेंगे तो कैसे काम होगा, और यकीन दहानी करवाई गई वजीर आजम की जानिब से। लेकिन वो वजीर आजम ही इमरान खान क्या हुआ, जो यूटर्न जो अपनी बात पे कायम रह जाए, उन्होंने कहा था सनत को 11.70 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिल चार्ज किया जाएगा, लेकिन अब जो बिल्स आए हैं वो 4 रुपए फी यूनिट इजाफा करके भेजे गए हैं। बट साहब, गवर्नर साहब का आप जिक्र कर रहे थे, कहाँ है वो आजकल? गवर्नर साहब को जी नया टास्क फराहम कर दिया गया, और आज वो यूरोप के एक हफ्ते के दौरे पे चले गए हैं। अच्छा, क्या उनको कहा? जी बिल्कुल जी, उनको कहा गया है कि वो अपने जो यानी कि जब भी गवर्नमेंट को कोई इस तरह की मुश्किल पड़ती ना तो उनको चौधरी मोहम्मद सरवर साहब याद आ जाते हैं बड़े जोर से। उनको भेज दिया गया है GSP प्लस स्टेटस के लिए बाहर के, वो जाके लॉबिंग करें। ये GSP प्लस स्टेटस वही है ना जिससे हमारी टेक्सटाइल को फायदा होगा, हमारी जी जी बिल्कुल सनत को, हमारी जी सबको फायदा होगा, आपके अपने घर के अंदर सनत रुल रही है, और रुल रही से मेरी मुराद कि आपको याद होगा 16 दिन तक ये मिल्स बंद भी रही हैं, इससे ज्यादा दिन रही हैं। तो अपनी कंट्री के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री या इंडस्ट्री का क्या हाल है ये नजर नहीं आ रहा, यूरोप का दौरा करना बहुत जरूरी था। देखिए चॉइस साहब को तो जो कहा गया, चॉइस साहब की बात नहीं करी, प्राइम मिनिस्टर, देखिए प्राइम मिनिस्टर की क्या बात करूं मैं मुझे मैं उसको वो उसके ऊपर बात करना जिनसे ना वो फजूल सी चीज है। आप उसे जो भी बात करेंगे वो थोड़े दिनों बाद यू टर्न मार जाएंगे, इसलिए तो जगह जगह यू टर्न है। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने जिनसे है ना, शहबाज शरीफ साहब ने सोच के ये यू टर्न शहर में बनाए थे कि इस शहर में एक यू टर्न वजीर आजम भी आएगा जो हर जगह से यू टर्न मारेगा। तो वो अच्छा जी, सीरियस जरा इस पे बात कर लेते हैं हम। नहीं सीरियस ना लिया करें आप, इमरान खान वजीर आजम को सीरियस ना लिया करें। बताइए कि अब जो ये कहा गया है कि जायद बिल किसी सूरत अदा नहीं करेंगे, ये किस तरफ इंडिकेशन जा रही है? क्या गवर्नमेंट के कान पर जूं तक रेंगेगी? आगे ही पहले जब इंडस्ट्री बंद रही है और खास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद रही है तो हमारा कितना नुकसान हुआ है, और नुकसान से मेरी मुराद एक तो मईशत का नुकसान, दूसरा जो एक मजदूर डेली बेसिस पर काम कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें दोबारा प्रोटेस्ट पर जाना पड़े। और फिर जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स होते हैं जिसमें ये कहते हैं कि जी हमें चीज़ें जो बाहर भेजनी हैं हमें उसमें इजाफा करना है, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इनको सपोर्ट करना पड़ेगा ना, आपको अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करना पड़ेगा, आप उसी को कमजोर कर रहे हैं। देखिए आप बिल्कुल मजबूत करना पड़ेगा, और पहले ही आप मुझे बताएं कि अब तक वो कितनी नौकरियां इन्होंने कहा था कि हम पैदा करेंगे, मुझे भूल गया, करोड़ों नौकरियों की बात, मेरी याददाश्त कमजोर है अब। ये इससे आगे मत कुछ कहिएगा,
ये आप कहीं सोशल मीडिया वाला बयान तो नहीं बोलने लगे नहीं नहीं जो बहुत वायरल मैं ये कहने लगा हूँ कि आप देखिए, आप मजबूर कर रहे हैं कि जब इंडस्ट्री आपकी बंद होगी, जब अजाफी बिल्स आएंगे, आप मुझे बताएं ये कहाँ से पे करेंगे। लाजमी बात है उसको बैलेंस करने के लिए आपको लोगों को निकालना पड़ेगा, या लोगों को निकालना पड़ेगा या कॉस्ट बढ़ानी या कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। दोनों सूरतें में जो है वो कौन पीसेगा, वो मजदूर मजदूर पिसेगा, आवाम पिसेगी। तो वो बात वही आ गई, मजदूर या आवाम से हुकूमत को दिलचस्पी नहीं है। आपने जीएसपी प्लस स्टेटस के लिए तो गवर्नर साहब को भेज दिया लॉबिंग के लिए, लेकिन अपने मुल्क के अंदर लॉबिंग कौन करेगा? अपने मुल्क के अंदर लॉबिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने करनी है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब करेंगे ही नहीं, अभी आप ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे सनती जोन बना रहे हैं, वहाँ पे ये करेंगे, आप सनत हमने ठीक कर ली है, हम लोगों को वन विंडो ऑपरेशन के तहत बाहर से आने वाले सरमायाकारों को जो है वो सहूलियत फराहम कर रहे हैं। जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत आप मुझे बताइए कौन सी सहूलियत आप बाहर से आने वालों को जरूर दें, जरूर दें और देनी चाहिए, लेकिन हमारे लोगों का क्या कसूर है? इन्हीं लोगों से आपने काम लेना है, यहीं से जो है मैन पावर आपने लेनी है। जब मैन पावर बेरोजगार होगी, आप उसको उसके मुताबिक मुआवजा नहीं देंगे, इंडस्ट्री के ऊपर बेजा बिल थोपे जाएंगे, यानी कि वादा करके अगर उसे यू टर्न मारेंगे तो फिर सूरत हाल सीमल खराब से खराब तर होगी और फिर ये बेरोजगारी बढ़ेगी और ये हुकूमत के गले पड़ेगी। मैं आपको ये बताऊं, ये हकूमत जब भी जाएगी ये मेरी बात आप लिख लें, उसकी बेस यही बनेगी। चलें देख लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया बट साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आप हेडलाइंस जानिएगा, फिर प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम में कुछ सेगमेंट्स शामिल करेंगे। सेगमेंट्स में सबसे पहले मोबाइल रेट्स आपको बताएंगे कि मार्केट में कौन सा मोबाइल किस प्राइस पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी A70, प्राइस है इसकी 59,999 रुपीज़। Huawei Y9S 2019 for 2,999 rupees. Oppo A5S 22,999 rupees. Vivo S1 49,999 rupees. अगला सेगमेंट शामिल करेंगे, सेल्स एंड प्रमोशंस की बात होगी, बचत बाजार। तो सबसे पहले सेल्स पर नजर डाल लेते हैं जी, और सेल्स में हमारे पास सबसे पहले ब्रांड है WB by Himani, up to 35% तक ऑफ। नेक्स्ट है जी लाइमलाइट, लाइमलाइट पर आपको फ्लैट 30, 40 and 50% तक ऑफ मिलेगा। चैनवन पर आपको फ्लैट 40% तक ऑफ। और लिटिल पीपल पर आपको फ्लैट 50% तक ऑफ मिलेगा। कारफोर पर अगर आप जा रहे हैं तो कारफोर पर पॉन्ड्स कॉल्ड क्रीम है, रिटेल प्राइस है 230, प्रमोशनल प्राइस 160, 70 रुपीज आप बचा सकते हैं। Sensodyne पर आपको रिटेल प्राइस मिलेगी 235, प्रमोशन प्राइस है 189, आप 46 रुपीज बचा सकते हैं। और अब आज के भाव शामिल करेंगे, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बताइएगा मंडी की सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप?
میں اگر سبزیوں قیمتوں کی بات کی جائے تو گزشتہ روز کی نسبت آج کمی ضرور دیکھی جا رہی ہے، لیکن جو سرکاری نرخنامہ ہے اس کے مطابق سبزیوں کی فروخت شہر کے کسی بھی علاقے میں ممکن نہیں ہو سکی، اور تمام تر جو مارکیٹ کمیٹی اور ضلعی انتظامیہ کے دعوے ہیں وہ صرف دعوے ہی نظر آتے ہیں۔ اگر قیمتوں کی بات کی جائے تو ٹماٹر کی قیمت جو سرکاری نرخنامہ ہے یا ماڈل بازار ہے وہاں پہ 10 روپے مزید کمی کے بعد آج 165 روپے جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے، لیکن اگر اوپن مارکیٹ کی بات کی جائے تو اوپن مارکیٹ میں ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ 180 روپے سے لے کے اور 200 روپے تک وصول کی جا رہی ہے، جبکہ دیگر سبزیوں کی اگر بات کی جائے تو پیاز جو ہیں وہ 80 روپے میں فروخت کیے جا رہے ہیں، آلو کی اگر بات کی جائے تو آلو بھی جو ہیں نئے آلو جو ہیں وہ 70 سے 80 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں، لہسن 350 جبکہ ادرک جو ہے وہ 400 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے گھیا کدو جو ہے اگر اس کی بات کی جائے تو گھیا کدو 60 سے 80 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے، گاجر جو ہے وہ 40 سے 50 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے، ٹینڈوں کی اگر بات کی جائے تو ٹینڈے جو ہیں وہ بھی 70 سے 80 روپے فی کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ قیمتوں کو کنٹرول کرے اور جو سرکاری نرخنامہ ہے اس کے مطابق سبزیوں کی فروخت کو یقینی بنائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت موسمی سبزیاں جو ہیں وہ اب مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے قیمتیں ضرور کم ہیں، لیکن جو سرکاری نرخنامہ ہے اس پر عمل درآمد کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے، جبکہ دوسری طرف جو سبزی فروش ہیں وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ جب تک منڈی میں قیمتوں کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا اس وقت تک شہر کے کسی بھی علاقے میں جو سبزیاں ہیں یا کوئی دیگر اشیاء ضروریاں ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو سکتی اور ان کے اور وہ سرکاری نرخنامے کے مطابق فروخت نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک ہے حسن، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میٹ ریٹس کی طرف چلتے ہیں جی، اگر آپ زینت شاپ پر جا رہے ہیں تو وہاں سے بیف آپ کو ملے گا 978 میں، بیف قیمہ ہے 1076 میں۔ مٹن آپ کو ملے گا 1668 میں، مٹن قیمہ 1956 میں۔ گورنمنٹ ریٹ کے مطابق زندہ مرغی 131 اور اس کا بنا ہوا گوشت 190 میں۔ انڈوں کی قیمتوں پر نظر ڈالیں تو ریٹیل سے انڈے آپ کو ملیں گے 106 روپے درجن، ہول سیل پر 104 روپے اور گورمے پر انڈے اویلیبل ہیں 105 روپے میں۔ بگ اسکرین شامل کریں گے، اور ابھی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز موجود ہیں جنہیں میں خوش آمدید کہوں گی، اور آج کا ٹاپک ظاہر ہے ہمارا واسا اور واسا سے ریلیٹڈ سروسز کے حوالے سے رہے گا۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ؟ بہت شکریہ ایم ڈی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ کیا مصروفیات چل رہی ہیں آج کل؟ آج کل تھوڑا سا برسات تو ہے نہیں، تو اس لیے فیوچر پلاننگ پہ زیادہ فوکس ہے تاکہ جو لانگ ٹرم منصوبے ہیں ہمارے وہ ٹائم پہ شروع ہوں، ٹائم پہ ختم ہوں، اس وقت زیادہ فوکس ان پہ ہے۔ اچھا، ایسا ہی کیوں سمجھا جاتا ہے کہ واسا کی سروسز جو بہت زیادہ ضروری ہیں وہ صرف برسات کے موسم میں ہیں، اس کے علاوہ بھی تو بہت کام ہے جو کرنے والا ہے؟ بڑا اچھا آپ کا پوائنٹ ہے کہ یہ اس وقت بھی 80 کروڑ گیلن روزانہ زمین کے نیچے سے بہ رہا ہے سیوریج کی شکل میں، سڑکوں کے نیچے سے اور پھر شہر سے نکل رہا ہے، لوگ گھروں میں یوز کر رہے ہیں، ریسٹورانٹس، ہوٹلس، تو سارے کام واسا کی وجہ سے زندگی رواں دواں ہیں۔ لوگ آج تیار ہو کے آفسز میں بھی آئے ہیں اور اپنے کاروباروں پہ آئے ہیں تو وہ بھی واسا کے پانی کو استعمال۔ تو یہ جنرل جو امیج ہے کہ صرف برسات میں ہی واسا کام کرتا ہے یا اس کی ضرورت ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، بالکل صحیح۔ اور ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ مسلسل پانی نکل رہا ہے زمین کے نیچے سے اور سطح زمین سے پانی کا جو گہرائی ہے وہ اب کم ہوتی جا، مطلب زیادہ ہوتی جا رہی ہے، سو اس کا مطلب ہے کہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے ہمارے شہر، اس کے لیے ہم کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی پالیسی ہے؟ جی بالکل، آپ یہی دیکھیں کہ جب سے لاہور آباد ہوا ہے تو ہم زمین کے نیچے والے پانی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور جب سے مطلب 1000 سال پہلے بھی اگر جب لاہور کے آغاز ہو رہا تھا، یہاں پہ لائف شروع ہو رہی تھی، آبادی بن رہی تھی، تو اس وقت بھی زمین سے نکال رہے تھے، آج بھی زمین سے نکال رہے ہیں، اور فرق اس وقت کم مقدار میں اور کم طریقے سے نکال رہے تھے، اب تو اب بندے زیادہ ہو گئے، بندے زیادہ ہو گئے ہیں، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، ٹیوب ویل زیادہ ہو گئے ہیں، لوگوں نے پرسنلی بورس کیے ہوئے ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اب اسی کام میں مشغول ہیں، تو اس لحاظ سے یقیناً پانی نے زیادہ نکلنا ہے، اور جب زیادہ نکالیں گے آپ ایک ہی آپ یہ کپ ہے اس میں 4 سٹرا رکھ لیں یا 1 سٹرا رکھ لیں تو 4 سٹرا لگائیں گے تو زیادہ جلدی خالی ہو جائے گا، تو پانی نیچے جا رہا ہے، اور وہ تقریباً 1 میٹر سالانہ نیچے جا رہا ہے یا 3.25 فٹ کے قریب سالانہ نیچے جا رہا ہے۔
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पानी अब बिल्कुल आखिरी उसकी सतह पे पहुंच गया है कि जिसके बाद लेकिन खतरनाक सिचुएशन तो आ रही है ना। अच्छा, हमारी मैं हमेशा ये बात करती हूँ, हम फ्री हैंड काम क्यों नहीं करते, दैट वी वॉचिंग इट कि वो नीचे जा रहा है, कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आ जाएगा और जिस तेजी से हम इस्तेमाल कर रहे हैं शायद वो टाइम बहुत जल्द आ जाए, तो उसके लिए कुछ प्री प्लानिंग तो करने की जरूरत है ना। बिल्कुल आपने सही बात की, और ये वाहिद केस है जिसमें हम पहले से प्लान शुरू कर दिया हुआ है, खत्म नहीं होने दिया पानी। नहीं तो आप देखें, गैस खत्म हो गई थी तो सीएनजी वाले कहने लगे थे कि आप बंद कर देंगे सीएनजी क्योंकि गैस खत्म हो गई, लेकिन पानी खत्म नहीं हुआ, नीचे जा रहा है। तो हमने उससे पहले ही उसके मुतबादल इंतजाम पे काम शुरू कर दिया है, जैसे कि मुतबादल वाटर सोर्स की डेवलपमेंट, यानी ज़मीन के पानी की बजाय नहरी पानी को ड्रिंकेबल बना के यूज़ करना। तो पहला तो ये प्रोजेक्ट हमने शुरू कर दिया, ये इसके ऊपर अप्रूवल्स हो गई हैं तमाम की तमाम जो पाकिस्तानी साइड से होनी थी, फेडरल गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर दिया प्रोजेक्ट। अब 13 दिसंबर को मतवक्को है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का बोर्ड बैठेगा बीजिंग में। अच्छा। इस मंसूबे की मंजूरी की, क्योंकि फाइनेंसिंग उन्होंने करनी है, तो ये 13 दिसंबर को वो मंजूर कर देते हैं उनका। फाइनेंसिंग कर रहे हैं या लोन दे रहे हैं? लोन दे रहे हैं। मींस के फाइनेंस सॉफ्ट लोन। तो उस की अप्रूवल जब होगी तो उसके बाद फिर दोनों गवर्नमेंट्स के, पाकिस्तान गवर्नमेंट और दूसरा बैंक, इनके दरमियान एक साइन होगा लोन एग्रीमेंट अगले साल के अवाइल में, 2020 के अवाइल में, और फिर काम शुरू होगा 2 साल में या 2.5 साल में कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये पहला प्रोजेक्ट होगा जो लाहौर की हिस्ट्री में पीने के लिए नहर का पानी इस्तेमाल किया जाएगा, इससे भी ज़ेर ज़मीन पानी पर लोड कम होगा। दूसरा, जो पानी हम सप्लाई कर रहे हैं उसका इस्तेमाल चूँकि बहुत ज़्यादा बेदरेग है, तो उसके लिए मीटरों की ज़रूरत होगी ताकि हर घर में मीटर लगे। आप इमेजिन करें, अगर आप बिजली आपके घर आ रही है और मीटर ना लगाओ और आपको कहा जाए कि आपका बिल फिक्स होगा और आप जितनी तो फिर आप 24 घंटे एसी तो भी चलाएंगे, घर में कोई नहीं होगा तो 24 घंटे इलेक्ट्रिक हीटर भी चलाएंगे। सेम इसी तरह पानी का हाल है कि उसमें अगर मीटर इस वक्त नहीं है तो लोग उसका ज़ाया करने में कोई इतनी प्रॉब्लम महसूस नहीं करते। तो इसलिए अब हुकूमत पंजाब ने एक पीपीपी मोड में 7 लाख मीटर लगाने का प्लान किया है कि कोई कंपनी आए अपनी फैक्ट्री खुद ही लगाए पाकिस्तान में, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में उसकी फैक्ट्री भी नहीं है। उसको गारंटीड हम बाइंग करेंगे कि जी आपको गारंटी है कि हम 7 लाख मीटर लाहौर में खरीदेंगे, बाकी शहरों में भी। तो इससे उनको गारंटी मिल जाएगी कि बायर मौजूद है तो वो इन्वेस्ट करके यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे। शुरू में हम 40% उनको पेमेंट भी कर देंगे जब वो मीटर लगाएंगे, तो 10 साल में महाना बुनियादों पे बाकी पेमेंट करेंगे। तो ये लेकिन ये तो एक लॉन्ग टर्म प्लान है, वैसे ही शॉर्ट टर्म प्लान में हम क्या करेंगे? बहुत से गैर कानूनी कनेक्शंस हैं, बहुत से ऐसे कनेक्शंस हैं जिनको फिक्स बिल भी नहीं आ रहा और पानी का बेदरेग इस्तेमाल। पहले तो कानूनी कनेक्शन की बात हो जाए, जो कानूनी कनेक्शन है जो रैंप धो रहे होते हैं, गाड़ी धो रहे होते हैं पाइप से, तो उनके ऊपर भी फाइन हो रहे हैं। पहले फाइन 500 था, फिर 1000 हुआ, अब 2000 रुपया फाइन कर दिया गया। तो अब जब भी कोई पकड़ा जाए जो पाइप से गाड़ी धो रहा हो या रैंप धो रहा हो या सड़क, तो उसको 2000 रुपये जुर्माना होता है। डॉल्फिन फोर्स उसकी पिक्चर उतारती है, वासा को भेजती है। तो एक तो ये काम है, दूसरा कार वॉशिंग इंडस्ट्री 300 से ज़ायद कार वॉशिंग स्टेशन को रिसाइकलिंग पे करवा दिया गया है, और इसी तरह जो वजू के पानी को रिसाइकलिंग का काम हो, इसमें वाटर कमीशन का खासा रोल है कि जिसकी वजह से एनफोर्समेंट मुमकिन हुई है, क्योंकि वासा के पास कोई डंडा नहीं था या लाठी नहीं थी, तो उनके पास थोड़ा सा डंडा लाठी के बगैर तो काम नहीं होता, तो इससे एडवांटेज हुआ। और कल एक इफ्तिताह हो रहा है इसमें, जो हजरतदाता गंजबख्श का श्राइन है उसमें कुछ 60,000 गैलन का पानी का जखीरा बनेगा जो वजू के पानी को स्टोर करेगा और उसको पीएचए वाले लेके बाल पाक और सड़कों के ऊपर धोएंगे, सड़कें धोएं जो मर्जी करें। तो ये पानी की बचाव के ये सारे स्टेप्स हैं जिसमें मिलके ये सारी चीज़ें जब होंगी तो हम ज़ेर ज़मीन पानी को बचा सकते हैं। सर, एक 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 जो प्रोजेक्ट जिस पे मैं अक्सर बात भी कर चुकी हूँ और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं और आप ख़ुद भी बहुत बेहतर तौर पर समझते हैं, बिकॉज इस बारे में हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी, जो नेचुरल रिजर्वायर्स हैं हम उनको बहाल क्यों नहीं कर पाते कि बारिश का पानी ज़ाया हो जाता है, हम उनको नेचुरल तरीके से क्यों नहीं पानी को, वो जैसे कहते हैं ना कि रिवर्स पॉलिसी भी थोड़ी सी हमें अपनानी पड़ेगी, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं या नहीं? हर शहर का डिफरेंट चूँकि पैटर्न है बारिशों का, तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर से ज़्यादा बारिशें होती हैं, मुल्तान में लाहौर से कम होती हैं। तो लाहौर में जो सालाना बारिशों के दिन हैं वो 25 के करीब हैं कुल मिला के,
तो लेकिन ऐसा नहीं कि कम बारिश होती है, ठीक ठाक बारिश होती ठीक है वो, बल्कि एक ठीक ठाक होती है ना तो फिर आपको टीवी पर भी नजर आ रही होती है, और आप तो मुझे लगता है बारिशों के सीजन में रहते ही सड़कों पर है क्योंकि आप फील्ड में होते हैं। ऐसे ही है वो, तो एक दिन में ही ज्यादा हो जाती है, इंटेंसिटी हाई है लेकिन दिन कम है। उसके लिए दो तरीके हैं, या तो उस पानी को हम जमीन में रिचार्ज करके जमीन के जखीरे में डाल दें और फिर बाद में निकाल लें ट्यूबवेल चला के जैसे पहले निकालते हैं। दूसरा तरीका है कि कम गहराई में स्टोर कर लें, यानी ज़मीन के पानी में ना मिलाएं बल्कि उसको कम गहराई का एक स्टोरेज बनाएं उसमें, ताकि आपने निकालना ही है ना बाद में भी। तो अगर ट्यूबवेल ज़मीन के पानी में ज़खीरे में डालेंगे तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है, क्योंकि बारिश का पानी है, सड़कों पर बह रहा है, साथ उसके आलूदगी है, उसको अगर आप ज़मीन में डाल देंगे तो ज़मीन के नीचे जो पानी है उसको इरिवर्सिबल लॉस होगा क्वालिटी को। अच्छा। दोबारा आप ठीक नहीं कर सकेंगे, मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम उसको जमीन के पानी आप देखिए। लेकिन दूसरा तरीका है, रिजर्वॉयर से मेरी मुराद ये थी कि आप बड़े बड़े है, वो आपकी बात, वो डायरेक्ट पानी जाएगा और वो नहीं, वो आपकी बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ, उसको सेकंड कर रहा हूँ कि आपकी जैसे बात आपने की है कि उसको कम गहराई में स्टोर करना चाहिए और वो रिजर्वॉयर ही बनाना चाहिए। तो उस कम गहराई से आप निकाल के बाद में हॉर्टिकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर लें किसी और मकसद के लिए। तो इसके लिए जो पहला प्लान है लाहौर में जो अभी अगले माह शुरू हो जाएगा, लॉरेंस गार्डन के साथ ही है लॉरेंस रोड, तो लॉरेंस रोड में एक प्याला नुमा सड़क है। अच्छा। जिसके सामने पानी चारों तरफ से आके दरिया की शक्ल में खड़ा हो जाता है क्योंकि वो नीचा है। हाँ। तो उस पानी का जखीरा जो सड़क के ऊपर होता है उसके साथ हम लॉरेंस गार्डन पे रिजर्वायर बना रहे हैं वासा, और वो पार्किंग प्लेस है वहाँ पे मोटरसाइकिलों की, तो उसके नीचे वो रिजर्वायर बन जाएगा और ऊपर फिर पार्किंग प्लेस रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है। तो वो जो पानी सड़क पे नजर आता था, पानी की जगह बदल जाएगी, पानी होगा। हाँ, लेकिन वो सड़क रिजर्वायर में चला जाएगा, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल, पहला काम। जैसा साहब आपको पता है हमारे बड़े एक्सपर्ट रिपोर्टर हैं और बहुत अरसे से वासा की बीट भी कर रहे हैं, बड़ी अंदर अंदर की खबरें निकाल के लाते हैं। दुर्रा नायाब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है, तो मैंने सोचा कि आप एज अ गेस्ट आए हैं तो हम दुर्रा नायाब को भी शामिल करते हैं, चूंकि वो बीट में होते हैं तो वो कुछ टेक्निकल सवाल वगैरह भी आपसे उनका काफी इनसाइट है और काफी इन डेप्थ इनकी नॉलेज होती है इस मामले में। दुर्रा नायाब ले जी, हमने आपकी तारीफें कर दी है, अब मैं आपको वेलकम कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका भी और एमडी साहब का भी, बहुत शुक्रिया जी। दुर्रा, मुझे लगा कि आपकी इनपुट लेना बहुत जरूरी है। हम पानी बचाओ प्लान्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जो अभी जाहिद साहब ने बताया बड़े जबरदस्त प्लान्स हैं, बट इन अ लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। एक मंसूबा 2-2.5 साल में मुकम्मल होगा पानी बचाओ के लिए, और बहुत से प्रोजेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं हमें? सीमा, मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा ये जरूर बताना चाहूंगा कि गुज़िश्ता 5 साल से साबिक दौरे हुकूमत में भी और मौजूदा दौरे हुकूमत में भी हम वासा के साथ इस पॉइंट पर जरूर खड़े हैं कि ज़ेर ज़मीन मनसूबा और ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए हमें इस पे मैसिव काम करना होगा। और उस वक्त से मैं इस मनसूबों को कवर कर रहा हूँ जब इनकी कॉस्ट महज 30 से 40 अरब के करीब पूरा हर चीज रिहेबिलिटेट होगी। अगर आज पूरे लाहौर की बात करें, उसके अंदर सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, अंदरून लाहौर की बात करें, तो अब हम 70 अरब से शायद 1 खरब के करीब पहुंचे हों। लेकिन अभी जो इन्होंने प्लान दिया है 31 अरब का जी, उसमें प्रायोरिटी पे लाहौर के दो जो इन्होंने फैसला किया है कि एक तो गुलबर्ग और दूसरा अलोंग लाहौर के डाल जिना हॉस्पिटल से लेकर ठोकर तक, वहां पर सीवरेज सिस्टम का निजाम ही कोई नहीं है अलोंग द बोथ साइड, तो इसको फौरी तौर पर प्रायोरिटी भी होना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है कि इसके लिए फंडिंग जो है वो सरकार को फौरी तौर पर देनी चाहिए, बजाय कि जो डोनर तलाश करें, लेकिन ये डोनर तलाश करने पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट तलाश करने पे मजबूर है क्योंकि पैसे क्यों? हमारे अच्छा चले हम पूछ लेते हैं ना एमडी साहब साथ ही बैठे, एमडी साहब ऐसा क्यों है, क्यों हम लोन और फंडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं? क्या वासा का खसारा जो है वो जिम्मेदार है इसका, क्योंकि उसके ऊपर तो मैंने अभी आना है, उस पर अभी हमने बात करनी है। असल में मैं मुतफिक हूँ इनसे कि अगर हमारे हुकूमत के पास इतनी वाफर मकदार में फंड्स मौजूद हों जो दीगर काम करने के बाद भी बच जाएँ कि हम इससे बड़े बड़े मनसूबे फाइनेंस कर सकें, तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। लेकिन ये जो हमारा अपना बजट है वो तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के कामों के लिए सर्फ होता है, यानी जो चीज़ें उसके लिए भी कम पड़ जाता है, तो कम पड़ जाता है या एटलीस्ट बमुश्किल पूरा किया जाता है कि आपको सर्विसेज बहाल रखें और सीवरेज का और बारिश का और दूसरा जो पानी की फराहमी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो तो हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहते हैं। लेकिन जब नया एसेट कंस्ट्रक्ट करना हो या नया कोई अरबों रुपये का प्रोजेक्ट है, तो उसमें आइडियली तो ये होता है कि गवर्नमेंट्स के पास पैसे मौजूद हों, टैक्स लोगों ने दिया हो, उनके पास पैसे पड़े हों। लेकिन अगर टैक्स भी कम हो और पैसे या किसी और सड़कों पे इस्तेमाल हो रहे हों या बेशुमार डिफेंस या दीगर
तो ज़रूरियात होती हैं मुल्क की, तो उसमें प्रायोरिटी होती है कि गवर्नमेंट सोचती है कि क्या हम ये लॉन्ग टर्म लोन ले लें या क्या हम अपने पैसों से ये काम कर लें। बिल्कुल सही। अच्छा दोनों नया ये लोन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो वासा का खसारा है ये कितना है जरा बताइएगा, फिर मैं MD साहब से जरा इस पर भी बात करती हूँ। में मेरे एक अंदाजे के मुताबिक अगर हर चीज को कैलकुलेट किया जाए और बाइफ्रिकेट अलग-अलग करके आप सम अप करेंगे तो ये कुछ 4 अरब से ज्यादा का होता है, यानी कि हर साल वासा को 4 अरब रुपए जो डेफिसिट की मद में उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन एक इसमें पॉजिटिव इशू है जो मैंने 2-3 महीनों से नोट किया है कि रिकवरी तेज करनी शुरू की है इन्होंने। अब ये तो MD साहब बताएंगे कि इन्होंने कौन सा वो जादू की जो पुड़ी है वो निकाली और हर महीने जहाँ पहले आप कुछ 20-25 करोड़ जमा करते थे अब आप 40-45 करोड़ पे पहुंचे हुए हैं, यानी कि डबल हो गई ना। इन्होंने 50 करोड़ को भी टच किया है। ये मेरे लिए भी हैरान कन बात है कि ऐसा क्या किया कि जो पहले नहीं हो रहा था और पहले इसको होना चाहिए था और अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये डबल हो गया, ये क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये हुआ जी कि ये इनकी बात बिल्कुल सही है, मैं इनको बल्कि अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने एक अप्रिसिएशन को भी यानी जगह दी अपने इस स्टेटमेंट में कि ये वाकई एक फैक्ट है कि हमारी जो आमदनी है उसमें दुगनी हो गई हुई है पिछले 1.5 साल से। तो सर क्या ख्याल है, फिर लेस्को का बिल पे कर दे उसमें? लेकिन इसकी वजह से लेस्को को पता लग गया कि हमारी आमदनी बढ़ गई। और सर, ये सब 1 अरब 41 करोड़ का बिल वाजिबुल अदा है वासा का। नहीं वो थोड़ा सा नहीं, उसकी मैं वजाहत कर दूं कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो इतने अच्छे नहीं हो सकते कि इतना हमने बिल देना और ट्यूबवेल की बिजली ना काटे। अभी कट जाएगी, कल की खबर है ये। वो कह रहे हैं 2 दिन दे दें इन डिपार्टमेंट्स को, वासा के अलावा और भी डिपार्टमेंट्स हैं, और उसके बाद हम बिजली काट। वो असल में एक दीगर तनाजर में इसको देखना चाहिए, वो उस तरह के बिल नहीं है जिस तरह के हम बिल देते हैं। वो है कि जी आपने फलां बिल लेट जमा कराया, उसका सरचार्ज बनता है। अच्छा सर, इस पर तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कल जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि इदारों के ऊपर लेट पेमेंट चार्जेस नहीं होते, लेकिन वो 40 करोड़ तो हमारा लेट, ये जो आपने बताया ना कितनी अमाउंट, उसमें 40 करोड़ तो वो है जो लेट पेमेंट सरचार्ज है जो हमने उनको रिक्वेस्ट की हुई है, और वो लेट पेमेंट इसलिए होती है कि बिल उनका आया होता है तो हमें उस पर एतराज हो जाता है। आप ये कह रहे हैं लेट पेमेंट चार्जेस होते हैं, लेस्को की तरफ से कहा जाता है हम लेट पेमेंट चार्जेस, 40 करोड़ की अमाउंट है हमारे ऊपर लेट पेमेंट की, उन्होंने माफ करने की दरखास्त की हुई है। चले 40 करोड़ माफ हो गया, 1 अरब रुपया पे कर दे, कुछ लेस्को के भी हालात बेहतर होते हैं। सिर्फ लेट पेमेंट वाले ही हैं जो कि वाजिब अदा है। लेट पेमेंट की रीजन ये होती है कि जब बिल आता है, अगर MD साहब इजाजत दें मैं यहाँ से थोड़ा सा एड ऑन करूँ कि कुछ अर्सा पहले वासा की जो बिलिंग स्लैब चेंज करने से एक ह्यूज डिफरेंस सामने आया है कि पहले जो स्लैब थी जिसके थ्रू बिल लिया जा रहा था उसको इन्होंने माइनर स्लैब चेंज करके दूसरी स्लैब में डाला है, तो इनका जो 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 बिल था ना वो छत के साथ लग गया। हाँ, जाहिर है वो फी यूनिट बढ़ गए ना पैसे, जैसे कि उस स्लैब से आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, 13 रुपए यूनिट था वो 23 रुपए यूनिट वाला हो गया, क्योंकि उनको पता लग गया कि हमारी आमदनी, गरीब आदमी भी इतना ही दे रहा है, क्योंकि उनको पता लग ज्यादा दे रहा होगा। असल में उनको पता लग गया कि वासा ने अपनी आमदनी बढ़ाई है तो उतना ही उन्होंने बिल बढ़ा लिया। अच्छा वापस आते हैं, वासा ने आमदनी कैसे बढ़ाई है? दुर्रा नायब, आपका बहुत शुक्रिया, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ये इन दी एंड पुट किया। मैं अब जरा MD साहब से डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेती हूँ और आपका ये इनपुट जो है वो हम कंटिन्यू भी रखेंगे जी। एक तो ये है कि चूंकि डोमेस्टिक सार्फीन का तो बिल्कुल टैरिफ नहीं बढ़ा, 2004 से लेके आज तक वो सेम टैरिफ चल रहा है। अलबत्ता ये जो कमर्शियल सार्फीन थे जिसमें रेस्टोरेंट्स और जिसमें हाई एंड होटल थे, 5 स्टारों वाले होटल थे या क्लब थे या जो ऐसे ऐसे कमर्शियल, उनको ऊपर उनके ऊपर हमने फोकस ज़्यादा किया, नंबर एक। नंबर दो ये किया कि जो ज़मीन से पानी बेदरेग निकाल रहे थे और किसी को कुछ पे नहीं कर रहे थे और जो जितना दिल करता था ज़मीन से पानी निकाल लेते थे तो उनके ऊपर भी चार्ज लगाया गया। तो यानी कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि वासा कुछ बेहतरी लाता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कमर्शियल और पानी निकालने वाले बात पे बात की, कानूनी कनेक्शंस हो जाएं और कानूनी कनेक्शंस भी अपना बिल प्रॉपर्ली पे करें तो वासा अपने खसारे से निकल सकता है। अब बस शर्ते के लेस्को के टैरिफ मजीद ना बढ़े क्योंकि हमने हम ईमानदारी से जितने पैसे इकट्ठे करते हैं उनको दे देते हैं। तो एक तरह से भी वो शिकायत करते हैं सर, कल की मेन खबर है लेस्को चीफ साहब ने कहा है मैं बिजली के कनेक्शन काट दूंगा, टॉप ऑफ द लिस्ट वासा है। अब इसमें क्या करें, वो कहते हैं मैं खुद जाके मुलाकातें भी करता हूं डिपार्टमेंट्स के हेड से, फिर भी वो पे नहीं करते तो हम कनेक्शन काट। मेरे ख्याल में उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा होगा क्योंकि उनको और हमारी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है, और हर महीने जो उनका बिल आता है 45 करोड़ के करीब पिछले महीने आया, उससे पहले एक दफा 49 करोड़ भी आ गया था, और एक माह में अभी कुछ काम भी हुआ है 32 करोड़। तो वो जितना भी हर माह आता है उतना हम पे करते हैं, उसमें कोई एक पैसा भी नहीं होता जो पे ना कर किया हो।
लेकिन वो जो होता है कि जब हम बिल उनका आता है उसमें कोई तनाजा आ जाए कि ये बिल की रीडिंग गलत आ गई, हम उसे रोक देते हैं पेमेंट। फिर उसको आप ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स की आपस की एक कुछ मामला है, उसकी वजह से लेट पेमेंट, उसकी वजह से लेट पेमेंट सरचार्ज में वो कन्वर्ट हो जाए। सर आप बार बार 40 करोड़ का जिक्र कर रहे हैं, मेरे जहन में वो 1 अरब फंसा हुआ है, जो 1 अरब 40 करोड़, 1 अरब नहीं है वैसा होता है तो वो फिर हम ट्यूबवेल हमारे चल ना रहे होते। चले इसके ऊपर हम क्लेरिफिकेशन ले भी लेंगे इन दी एंड, कोई एक मैसेज छोटा सा आप जो लाहौरियों के लिए देना चाहेंगे? लाहौरियों के लिए ये मैसेज है कि पानी की गिरावट के ऊपर अगर ये सेंसिटाइज हुए हुए हैं, मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने उनको सेंसिटाइज किया है सार्फीन को, तो उसके ये माइंडफुल हों, इस चीज़ के बारे में सोचें कि ज़मीन का पानी ख़त्म होने से बचाने में इनका बहुत अहम रोल है, कि इन्होंने जो शावर लेना है या इन्होंने कोई पानी की छिड़काव करना है, उस काम में पानी जितना भी बचत हो सके उतनी ही करनी चाहिए। बिल्कुल सही, जितनी बचत हो सके उतनी ही करनी चाहिए। और एक जाते जाते मैं बात जिस पे आपने पहले भी बात की कि एक तो आप जुर्माने कर रहे हैं पानी के बेदरेगी इस्तेमाल पर, दूसरा जो पानी चोरी हो रहा है उसके खिलाफ भी अगर हम एक्शन अपना स्पीड अप कर देंगे और उसको लीगल कर लेंगे तो वासा के पास पैसे भी आ जाएंगे और पानी कंजप्शन जो है उसमें भी। मेरा ख्याल है जो इलीगल कनेक्शन से वुजू करता है या रोजे रखता है गैर कानूनी पानी से, तो उसको सोचना चाहिए अपने सिर्फ। बिल्कुल सही है, सोचना चाहिए। सर टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, क्वेश्चंस और भी बहुत से थे मेरे पास, लेकिन गुड लक फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स। आई रियली होप कि वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हों और सर्विसेज मिल सके हम लाहौरियों को बेहतर अंदाज में। बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ आवरी के लिए। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त आपको पता है वीकेंड है और शो का लास्ट सेगमेंट है और हमारे साथ फैशन के ठीक फैसल जावेद मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, क्या हाल चाल है? और आज का हमारा टॉपिक विंटर्स के हवाले से, चूंकि दिसंबर अब कल से शुरू होने जा रहा है और दिसंबर में ये होता है कि बस अब स्वेटर्स पहन लें, अब ठंड लगती है शाम के औकात में, तो खासतौर पर घरों के अंदर बैठे हुए भी। बिल्कुल, तो इस दफा क्या ट्रेंड्स हैं स्वेटर्स? देखिए इस दफा बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं स्वेटर्स के अंदर, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज इतना ज्यादा अभी तक अपेरेंट नहीं हो रहा, सर्दियाँ उस तरीके की नहीं आ रही कि आप बहुत मोटे स्वेटर्स पहने। So brands क्या कर रहे हैं, वो basically cotton blends के अंदर sweaters निकाल रहे हैं, which means दिखने में आपका जो sweater है वो woolen look दे रहा होता है, लेकिन टेक्निकली जो है वो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉटन बेस्ड होती है। सो आप उसको बड़े आराम से अपनी डेली रूटीन, जैसे आपने खुद कहा अभी इवनिंग्स के अंदर हल्की हल्की ठंड होना शुरू हो जाती है या अर्ली मॉर्निंग खुनकी काफी ज्यादा हो जाती है, तो आप उस दौरान जो है वो स्वेटर्स जो है वो बड़े ईजिली पहन सकते हैं। दूसरा ये कि आपके अब स्पोर्टी एलिमेंट्स जो हैं मैन एंड वुमेन स्वेटर्स के अंदर वो काफ़ी नज़र आ जाएंगे, क्योंकि लोग कोशिश करते हैं कि इतना लेयरिंग का टाइम नहीं होता कि अपनी शर्ट पहनी फिर एक और स्वेटर पहना, वो क्या कर रहे हैं कि स्वेटर इतने बारीक हो गए हैं कि एज अ हुडी की तरह उनकी रिप्लेसमेंट्स बनते जा रहे हैं, कि आपने लाइट सी टी शर्ट पहनी आपने उसके ऊपर फ्रंट जिपर के साथ स्वेटर जो है वो पहन लिया, आप स्पोर्टी आपकी जो स्ट्रिप्स होती हैं सिंबल्स होते हैं वो आपको मेन स्वेटर्स के अंदर काफ़ी नजर आएंगे। ऑन द कॉन्ट्रास्ट वुमेन के अंदर आपकी जो एम्बेलिशमेंट का एस्पेक्ट है वो उसी तरीके से नजर आएगा, आपके पर्ल्स की एम्बेलिशमेंट आ रही है बड़ी अच्छी लगती है, अब डेलिकेट रहते हैं थोड़ा फैंसी टच भी आ जाता है। और फैसल मुझे ऐसे क्यों लगता है कि वो चीज़ें जो कई सालों से चल रही हैं वो ट्रेंड के साथ रहती वही हैं लेकिन थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली लेटेस्ट जमाने की तरह की हो जाती है। मुझे याद है कि पहले जब जहेज के स्वेटर्स हुआ करते थे तो उसमें कढ़ाई के साथ वो जो कार्डिगन होते थे उसके अंदर मोती लगे होते थे छोटे छोटे पर्ल्स के, और वो उस जमाने का ट्रेंड था। अभी भी वो पर्ल्स मोती सीक्वेंसेस यूज हो रहे हैं लेकिन इस जमाने के, तो मतलब एक चीज बड़े अरसे से चल रही है या वो रिवाइव होती है वो या रिपीट होती है? देखिए डेफिनेटली रिवाइव होती है, हम हमेशा से देख रहे हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और फैशन के अंदर द ट्रेंड्स ऑलवेज रिपीट, उनकी ड्यूरेशन फर्क हो सकती है लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप जब भी सिलेक्शन कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप पर्ल्स वाले स्वेटर्स ले रहे हैं फॉर एग्जांपल जो बहुत ट्रेंड में है, तो मेक श्योर करें कि आपको पता होना चाहिए कि उसकी उसको जो कैरी करना है वो किस तरह करना है। इस पे टिप्स आपसे मैं लेती हूं, लेकिन फैसल सीक्वेंस पर्ल्स वाले स्वेटर्स हुडीज आपने यूज करनी है तो उसके लिए टिप्स क्या है? जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि उसको केयरफुली आपने पहनना है, इट्स नॉट अ कैजुअल वेयर, दिखने में कैजुअल लग रहा होता है ऑब्वियसली, लेकिन उसकी जो एहतियात सबसे बड़ी ये कि तो उसको स्वेटर को धोते हुए प्लीज ध्यान रखें, आप उसको अन्य बाल्टी में डाल के ना धोना शुरू कर दो, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ये लोग अक्सर वॉशिंग मशीन में टंबल ड्राई कर देते हैं, डोंट डू दैट, वो आपके जो स्वेटर्स हैं उनको हैंड वॉश करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम खरीद रहे होते हैं ना हम लोग कुछ ये वाली चीज़ें इग्नोर कर देते हैं कि पहनने पे हमारा ध्यान होता है कैरी कैसे करना, वी नो दैट, लेकिन उसकी बाद में क्या एहतियात रखनी है, मेंटेन कैसे करना है, उस पर लोग अक्सर अवॉइड कर देते हैं। सो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें क्योंकि स्वेटर्स एक ऐसी गारमेंट है जो एक दफा अगर लूज हो गया या खुल गया तो वापस शेप में नहीं आने वाला। और दूसरा जो लोग करके निचोड़ते हैं ना स्वेटर्स, डोंट डू दैट, जो आपने हैंड वॉश की बात की आप ड्राई क्लीन नहीं करा सकते बार बार, मत कराइए, लेकिन आप उसको हैंग कर दीजिए, फिर 3-4 दिन दीजिए उसको सूखने के लिए, नेचुरली ड्राई, उसको ड्रायर में अवॉइड करें कि मत डालें, वरना उसके लिए भी एक
टिप होती है, आई डोंट नो यू वुड अग्री विद दैट और नॉट, कि आप एक कॉटन के कपड़े के अंदर स्वेटर को लपेटें और फिर उसको ड्रायर करें, बिल्कुल, मतलब ऐसे खुला मत छोड़ दें, तो वो उसका जो लूज होने का एलिमेंट है वो कम हो जाता है, दैट्स अ टिप एंड माय मदर इन लॉ टोल्ड मी दैट, और वो एक्चुअली बिल्कुल सही टिप है, इट एक्चुअली वर्क्स। लेकिन अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप उसको हैंगर में सिर्फ हैंग कर दें, बिल्कुल। तो और अभी बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स कुछ और भी आएंगे जो काफी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड होते हैं, जिसमें आपको कट लाइंस के, स्पेशली वुमेन्स के अंदर कोल्ड शोल्डर कट लाइंस बहुत इन हो रही हैं स्वेटर्स के अंदर। अब वो देखने में आपको बड़ा अजीब लगता है कि स्वेटर ठंड का गारमेंट और उसके आधे बाजू जो है वो है ही नहीं, ठीक है, शोल्डर जो है वो ऑफ शोल्डर हो रहे हैं, पॉन्चो स्टाइल्स बहुत आ रहे हैं। सो कीप इन माइंड कि ये वो स्टाइल्स होते हैं जो आप किसी गारमेंट के ऊपर कैरी कर रहे होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपका ऑफ शोल्डर स्वेटर है तो आपने उसको ऑफ शोल्डर ही पहनना, यू कैन वेयर अ शर्ट जिसके ऊपर आप वो ऑफ शोल्डर स्वेटर जो है उसको पहने, इट लुक्स वेरी स्टाइलाइज्ड। पॉन्चोस तो हमेशा से इन है, 70s से लेके चले आ रहे हैं हमारी, आप अगर घर में देखें आपकी वालदा ग्रैंड पेरेंट्स इवन उनके पास ही पॉन्चो स्वेटर्स निकल आते हैं। सो वो ट्रेंड एक ऐसा है जो कि सबसे अच्छा रीजन क्या है कि वो हर बॉडी टाइप के ऊपर सूट करता है। अच्छा, आपने ये मोंटाज के लिए जो सिलेक्शन की है पिक्चर्स की, बाय द वे ये जो मोंटाज की पिक्चर सिलेक्शंस हैं ये हमारे फैशन क्रिटिक ही करते हैं, ये बड़ी जबरदस्त है। इस दफा 2-3 स्वेटर्स तो मुझे भी पसंद आ रहे हैं और अगर मैंने यहाँ से लेने हो तो अवेलेबल होंगे। यस, अनलेस कि वो हमारी करंट सेल्स में उड़ना गए हो जैसा ट्रेंड चल रहा है पूरे मुल्क के अंदर। हाँ, इतनी सेल्स लगी हुई है और इतनी आपने सेल्स से फायदा उठाया, वैसे मैंने बहुत अच्छा फायदा उठाया, बहुत अच्छा फायदा उठाया। आज भी वैसे कुछ क्योंकि ओवर द वीकेंड से है तो टिल संडे एवरी ब्रांड इज डूइंग इट, एवरी ब्रांड इज डूइंग इट, तो अगर आपको इस तरह के स्वेटर्स चाहिए तो आप वन पर भी और बाकी ब्रांड्स पर जा सकते हैं और जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। और आज मैं सोच रही थी, फैसल से पूछ रही थी, फैसल कितने बजे फ्री है, क्योंकि वो मुझे कहते हैं मुझे साथ लेके जाओ, मैं अच्छी शॉपिंग कराऊंगा और कम फायदा जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा फैसल, अब चलिए हम वापस टॉपिक पे आ जाते हैं, स्वेटर्स, स्वेटशर्ट्स, खास तौर पर स्वेटर्स। हम चूंकि ईस्टर्न वेयर पहनते हैं, अब हर कोई इज नॉट कंफर्टेबल विद जीन्स, क्योंकि जीन्स के साथ तो उसको कैरी करना बड़ा इजी हो जाता है, वेस्टर्न वेयर के साथ कैरी करना इजी हो जाता है, ईस्टर्न वेयर के साथ क्या करें? देखिए, ईस्टर्न वेयर के अंदर जो सबसे अच्छी वैरायटीज है स्वेटर्स की ना, दैट आर द सीक्वेंस स्वेटर्स, दे आर सो इंटरेस्टिंग कि आप उसको पुल ओवर की तरह पहन लें किसी भी शर्ट के ऊपर, दे हैव द डिटेलिंग, सीक्वेंस वाले और पर्ल्स वाले स्वेटर्स आपके सबसे बेस्ट होते हैं। हाँ, जो स्वेटर्स अच्छे नहीं लगते वो कोटी स्टाइल के होते हैं, वो पहनते साथ ही लगता है कोई बड़ी सारी खातून आ गई है, ठीक है, सो वो बुजुर्गों को अच्छे लगते हैं, तो आप तो इवन बुजुर्ग भी नहीं पहनते, to be very honest, they have become very trendy. I think open sweaters अगर आप ईस्टर्न वेयर पे पहनेंगे तो वो कंफर्टेबल है, वो कंफर्टेबल, देन गो फॉर श्रग्स, डोंट गो फॉर जो बटन वाले होते हैं, वो बहुत आपको ना बड़ी लुक देते हैं, उसकी वजह आप जो ड्रेप वाले श्रग्स होते हैं आप वो जरूर पहने, वो किसी भी शलवार कमीज ईस्टर्न वेयर बल्कि एक्चुअली एनी काइंड ऑफ गारमेंट, इवन मैंने इवन शादियों में देखा है साड़ीज के साथ खवातीन ने बड़े खूबसूरत श्रग्स पहने हुए, आगे सर्दियां आ जाएंगी, सो दे शुड लुक वेरी वेल। ये मैं आपसे नेक्स्ट टाइम पूछूंगी, टाइम मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे फैसल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इसी के साथ आपसे मैं इजाजत चाहूंगी, इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी, आपसे इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।